बेगम बैठे आतापुर से। ये हांडी देख के सोचते होंगे आज का कुकिंग क्या है, तो बड़ा हांडी बोले तो बड़ा कुकिंग ही होगा। तो आज का कुकिंग कीमा। कौन सा कीमा? चिकन। ये है आज का चिकन, फ्रेश, पूरा फ्रेश है। फ्रेश है लेकिन धोना पड़ेगा उसको। धोना पड़ेगा। तो पानी डालो पोना। बस अभी तो क्लीनिंग है वहाँ पे, भगवान भी रेडी है। जल्दी भैया आज तो आग का कुछ परेशान नहीं हुआ, झट बोल के लग गया। तो हंडी भी गर्म हो गया, अब डालेंगे उसमें ऑयल। चिकन तो अपना पास 10 किलो है, उसका हिसाब से ऑयल डालना पड़ेगा। क्या है चिकन? ये पत्ता, ग्रीन चिली, कटिंग कर रहा हूँ। ये है दालचीन, ये है काली मिर्ची, लवंग, ये है स्टार अनाइज, ये है अनियन प्यूरी, इसको डालेंगे। इसको एक बार अच्छा सा मिलाएंगे। थोड़ी देर फ्राई होने देंगे उसको। ये है जिंजर गार्लिक पेस्ट, पकड़ो पकड़ो, चटनी सोच के नहीं खाना उसको। अब वो टाइम आ गया नमक डालने का। ये नमक 4 स्पून डालेंगे। मिर्ची पाउडर 1, 2, 3, 4, 5। ये है हल्दी पाउडर 1.5। पूरा सबको एक बार मिला देंगे। ये है जीरा पाउडर, पूरा 1 स्पून डालेंगे। और धनिया पाउडर भी 1, 2, 3 स्पून। अब डालेंगे ग्रीन चिली, थोड़ा हल्का सा मिला देंगे। ये कल कोई कलर नहीं है और कैरेट भी नहीं है, टमाटो प्यूरी। ये टमाटो प्यूरी को पुना। चलो अभी चिकन डालेंगे, पूरा अच्छे से धो लिया वेंकट गुरु जी ने। कौन धोला? वेंकट भैया। आजकल पुना थोड़ा थोड़ा झूठ बोलना छोड़ दिया मेरे ख्याल से। मुझे लग रहा है ऐसा। हाँ, सही में झूठ बोला ना। तो फिर डालो चिकन। इसको अच्छा से मिलाएंगे, 5 मिनट तक मिलाते रहेंगे। थोड़ा कीमा है और अंदर तो जाने का मसला नहीं, थोड़ा बाहर लगे तो बस। अब डालेंगे उसमें कसूरी मेथी। ये डालने के बाद सीधा ढक देना क्या उसको, एक बार मिलाने के बाद मिला देंगे।
चलो अभी ढक्कन लगाएंगे भैया। लगाओ लगाओ लगाओ। चलो थोड़ा पानी डालेंगे। अब है क्लाइमैक्स का काम। कोरिएंडर लीव्स है, अभी इसको इसके अंदर डालेंगे। अभी तो धनिया का पत्ता डाल दिया, अभी और 5 मिनट तब तक कैप रखेंगे। अभी तो इसको एक बार ओपन करके देखेंगे। वाह, 5 मिनट के बाद ऐसा बन गया। इसको अभी नीचे उतार के थोड़ा खा के पैकिंग करेंगे। एकदम जबरदस्त पक गया। जबरदस्त स्मेल आ रहा, अच्छा से खुशबू आ रहा। आजा भाई खाएंगे, आजा भैया। नहीं जी, कोना पहले पार्सल करेंगे, पार्सल करने के बाद खाएंगे। थोड़ा सा खाएंगे, बहुत भूख लग रहा। खाएंगे जरूर, पहले पार्सल। आज थोड़ा स्पेशल है क्योंकि प्लेट नहीं है, इस पे ही करना। चिकन कीमा को पत्ता में खाए तो टेस्ट अलग रहेगा। मैं अच्छा सा बैठ के खाता हूँ भैया। क्या स्वाद है बना, कैसा लग रहा? जबरदस्त, ऐसा खाना 3 महीने के बाद मिला मेरे को। क्यों? प्लेट कौन बनाया जी? प्लेट कौन बनाया पत्ता से? गुरुजी। उसका ग्रेवी से खा लो, जबरदस्त लग रहा। ग्रेवी तो मस्त है। इससे पहले मैं एक बार टेस्ट करा। क्या बोलते सुनाओ? बस। ये प्लेट पकड़ के उधर से आ रहा हूँ, पूरा ग्रेवी मेरे ऊपर गिरा। क्योंकि प्लेट नहीं है ना। पी लो। नीचे से आ जा रहा पानी। पानी बहुत अच्छा लग रहा। ग्रेवी छोटा छोटा पीसेस है, जल्दी पक गया। इसमें जो मसाला डाला एकदम बढ़िया है टेस्ट।